गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मॉरल क्लास। मैंने आपको मॉरल में चैप्टर 2 भी रीड करवा दिया था और समझा दिया था। आज हम करेंगे बुक एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें करेंगे हम टिक द इंसिडेंट्स विच मे हैव हैपन्स इन द पास्ट विथ यू, डिड यू से सॉरी और अपोलोजाइज फॉर द सेम, राइट योर यस और नो। आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, पिक्चर दिख रही है, उस पर बॉक्स दिख रहा है, उसके पास में वहाँ पर आपको यस और नो लिखना है। यदि आपने कोई आपके साथ इंसिडेंट हुआ है और आपने इसको सॉरी या अपोलोजाइज किया है तो आपको यस लिखना है, और नहीं किया है तो नो लिखना है। ओके, सो स्टार्ट। फर्स्ट है स्टेपिंग ऑन समवन्स फुट। आपने किसी के पैर के ऊपर पैर रखा है, यस और नो? रखा होगा, यस। और आपने सॉरी भी नहीं किया हो क्या? ठीक है, आपने अगर ऐसा किया है तो आपको यस और नो लिखना है, ठीक है। सेकेंड है नॉट कम्प्लीटिंग द होमवर्क। आपने कभी होमवर्क कम्प्लीट नहीं किया है? नहीं किया है, सभी ने नहीं किया है, तो आपको यस लिखना है, या किया होगा तो नो लिखना है, ठीक है। और आपने सॉरी बोला है या नहीं कि आज सॉरी मैम, गलती से मैंने नहीं किया है, ठीक है, ऐसा। फॉरगेटिंग टू विश यूअर फ्रेंड्स ऑन हिज या हर बर्थडे। आप किसी फ्रेंड का बर्थडे भूले हो, यस और नो? तो आपको यस और नो लिखना है, ठीक है। स्टीलिंग सम थिंग्स। आपने कभी किसी की चीज़ चुराई है और फिर उसको अपोलोजाइज नहीं किया हो, या आपने सॉरी नहीं किया हो, तो यस और नो लिखना है। इंटेंशनली हर्टिंग समवन। आपने किसी को इंटेंशनली, मतलब उस किसी को हर्ट किया है, हानि पहुंचाई है किसी चीज़ से, यस और नो लिखना है। डैमेजिंग सम थिंग्स एक्सीडेंटली, मतलब आपने किसी चीज़ को डैमेज किया है, किसी चीज़ को फोड़ा होगा घर पे, तोड़ा होगा, डैमेज किया होगा, तो आपको यस और नो लिखना है, ठीक है। आप इस वीडियो को देखकर और आप, ठीक है, फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स जो होगी, आपने यस किया है या नो किया है, आपको ये लिखना है, ठीक है। थैंक यू।